नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक कॉमन सी प्रॉब्लम जो अक्सर जिम जाने वाले बच्चों को या अडल्ट को ऐसा हो जाता है, क्योंकि आज जैसे हमारे पास अभी ये वो हैं दिखाने आए हैं, इनको क्या प्रॉब्लम हुई है आपको? मेरा हाथ मुड़ नहीं रहा। इनका हाथ ये मुड़ना बंद हो गया, और क्या हुआ था? वो डंबल उठाया था तो उसमें हाथ मुड़ गया था। अच्छा, अभी दो दिन पहले इन्होंने जिम ज्वाइन किया और थोड़ा सा वेट लिफ्ट कर लिया, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक्सेस वेट उठा लेने से कई बार मसल्स में स्पास्म आ जाता है, और आप देख सकते हैं इनको एल्बो यहीं तक मुड़ रहा है। दूसरा हाथ मुड़ के दिखाइए, ये दूसरा हाथ इनका पूरा फुल रेंज में आ रहा है, और एल्बो ये आपका स्टिफ हो गया है, और सीधा करने पर भी पेन होता होगा, सीधा करने में भी इनको बिल्कुल सेंटर में पेन होता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, और ये दो या तीन दिन में बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहला जो काम है, इसे अपन को मॉइस्ट शीट देना होता है। इस वाले एरिया पे अपन अभी एक मॉइस्ट शीट देंगे। मॉइस्ट शीट मतलब कि आपको थोड़े से गर्म पानी में एक टॉवल को डिप करना है, उसको थोड़ा निचोड़ना है, और यहाँ पे हल्का सा लगाना है उसे। थोड़ी देर के लिए उसे 5 से 10 मिनट का अपन सेक करेंगे, और उसके बाद में कुछ एल्बो की स्ट्रेचिंग होगी, वो अभी हम आपको पूरा बता देते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि एल्बो में आपको मॉइस्ट शीट किस तरह लगानी है। आप मॉइस्ट शीट की जगह आइसिंग भी अप्लाई कर सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। अब आती है बारी एक्सरसाइजेस की। इसके लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज है, उसमें आपको सिंपली अपने हाथ को पूरा स्ट्रेच करना है, पूरा जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेचिंग पे लेके जाएंगे। जो हम अंगड़ाई लेते हैं उसी तरह का प्रोसेस है, आपको हाथ को पूरा सीधा लेके जाना है। पूरा सीधा करेंगे जितना हो सके, इसे आप 5 सेकंड होल्ड करेंगे। इसे करते ही आपको पूरा स्ट्रेच आएगा बैक, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट तक। 5 सेकंड होल्ड करेंगे एंड देन इसे रिलैक्स कर लेंगे, और फिर इसे अगेन दूसरी साइड से करेंगे। इससे करने से आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपका जो राइट साइड है, जो अनअफेक्टेड साइड से, वो कितना स्ट्रेच हो पा रहा है, और उसी के बिहाफ पे आप कोशिश करेंगे कि लेफ्ट साइड भी उतना ही स्ट्रेच हो। समझ में आ रहा है? वो जितना खुल रहा है, अब आपको इसे भी उतना ही खोलने की कोशिश करनी है। नीचे कर लो, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को 10 टाइम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिंपली अपने हाथ को पूरा स्ट्रेच करना है, और इसे 5 सेकंड पूरा इस तरह से खींचेंगे नीचे की तरफ। पूरा आपको हाथ सीधा करना है, और इसे पूरा दूसरे हाथ से स्ट्रेच करेंगे। सीधा कर लीजिए और अपने हाथ से इसे स्ट्रेच करेंगे। पूरा खिंचा हुआ गया, थोड़ा सा सीधे भी को नहीं। अभी 5 सेकंड होल्ड करेंगे। इसे करते वक्त थोड़ा सा आपको पेनफुल हो सकता है, पर घबराएं नहीं, आप थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी कम ही रखें, ये धीरे धीरे अपने आप स्ट्रेच होने लग जाएगा। 5 सेकंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स करिए। इसे भी आप 10 टाइम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपने एल्बो को थोड़ा बेंड करेंगे, और अपने दूसरे हाथ से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ इस हाथ को लगा लेंगे, और अब इस हाथ को आपको सीधा करने की कोशिश करना है, और इस हाथ से रेजिस्टेंस लगाना है। मतलब आप जब सीधा कर रहे हैं तो इसे रोकने की कोशिश करेंगे दूसरे हाथ से, तब आप सीधा करिए, सीधा करिए। अब इसको आप सीधा करेंगे तो आपका जो ट्राइसेप्स मसल है, उसका आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, यानी आप इस मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बाइसेप्स ओवरटोन्ड हो चुकी है, टाइट हो चुकी है, तो इसका मतलब ट्राइसेप्स लूज हो गई है। अब आपको क्या करना है इस कंडीशन में, ट्राइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जब हम इसे स्ट्रेच करें तो वो उसे बैलेंस कर सके। तो ये तीनों एक्सरसाइज करने के बाद अब आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो इनकी कंडीशन देखी थी अभी आपने, अब आपको बिल्कुल सीधा करने में दिक्कत हो रही थी, अब ठीक लग रहा है, सीधा हो गया, काफ़ी पूरा स्ट्रेच हो गया हाथ इनका। ये देखिए पूरा एल्बो खुल गया है, अब पेन भी नहीं इतना यहाँ पे, ठीक है। और अब आप इनको बेंड करके दिखाइए एल्बो को, अब आप देख सकते हैं पूरा एल्बो इन्होंने टच कर लिया है, दोनों टच करिए, ये देखिए पूरा टच कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत है अभी भी, पहले इतना ही था, काफ़ी अंदर आ गया है अब, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को आप 2 से 3 दिन रिपीट करिए, और आपकी रेंज वापस पूरी आ जाएगी, आपका पेन चला जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी। और फिर भी ज़्यादा दर्द रहता है तो आप लोकल एनाल्जेसिक स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं 2 या 3 दिन के लिए।